मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि क्वीन के पैलेस में एक पार्सल आता है जिसमें से एक पप्पी निकलता है। क्वीन उसका नाम रैक्स रखती है। वो पप्पी अपने बाकी दोस्तों के साथ क्वीन के पैलेस में रहने लग जाता है। रैक्स पूरे दिन क्वीन के साथ रहता था और क्वीन का वो फेवरेट पप्पी बन जाता है। जब रैक्स बड़ा होता है तो क्वीन इसे डॉग डॉग डिक्लेयर कर देती है। क्वीन को रैक्स इतना पसंद था कि वो हर चीज में उसकी फोटो प्रिंट करवा लेती थी। फिर हम देखते हैं कि एक दिन क्वीन के पैलेस के सामने आके एक गाड़ी रुकती है जिसमें से डोनाल्ड ट्रंप उनकी वाइफ निकलती है अपने पैट मिस्सी के साथ। असल में उन्हें अपनी मिस्सी के लिए एक डॉगी चाहिए था, तो मिस्सी उन चारों में से रैक्स को पसंद करती है। फिर रैक्स को तैयार किया जाता है, लेकिन रैक्स मिस्सी के साथ बिल्कुल जाने ही नहीं चाहता था। फिर भी रैक्स को तैयार किया जाता है। फिर रैक्स मिस्सी से अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता है और गलती से डोनाल्ड ट्रंप के पैर पे काट लेता है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और तुरंत वहां से चले जाते हैं। फिर क्वीन भी रैक्स पे बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। फिर रैक्स अपने कमरे में चला जाता है। रैक्स अपने बेस्ट फ्रेंड चार्ली से मिलता है। फिर रैक्स चार्ली से कहता है कि मुझे यहां से चले जाना चाहिए, मैं माफी के लायक नहीं हूं, मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। फिर चार्ली भी उसका सपोर्ट करते हुए कहता है कि मुझे एक जगह पता है, तुम्हें वहां चले जाना चाहिए। जब रात को सब लोग सो जाते हैं तो रैक्स और चार्ली मिलकर पैलेस से बाहर निकल जाते हैं। चार्ली रैक्स से कहता है कि तुम्हें अपने गले का कॉलर हटा देना चाहिए, वरना सब लोग पहचान जाएंगे कि तुम ही क्वीन के डॉग हो। रैक्स भी चार्ली की बातों में आ जाता है, वो भी अपना कॉलर वहीं पे निकाल देता है। फिर चार्ली रैक्स को एक ब्रिज के पास लेके आ जाता है और वहां से रैक्स को धक्का दे देता है, जिससे रैक्स एक जमी हुई झील में जाके गिर जाता है। असल में चार्ली रैक्स से बहुत ज्यादा चिढ़ता था और वो क्वीन का डॉग बनना चाहता था। फिर चार्ली रैक्स को वहीं पे छोड़ के चला जाता है। रैक्स पानी में गिरने लग जाता है, तभी संजय नाम के आदमी की नजर उस रैक्स पर पड़ती है। फिर वो रैक्स को अपने डॉग शेल्टर में लेके आ जाता है और उसके अच्छा ट्रीटमेंट करता है। फिर वो उसे केज में डाल देता है, जहाँ पे रैक्स की दोस्ती बहुत सारे कुत्तों से होती है और उसका एक बेस्ट फ्रेंड बन जाता है जैक नाम का। यहीं दूसरी ओर जब क्वीन को पता लगता है कि रैक्स गायब है तो वो उसकी बहुत फिक्र करती हैं, वो हर जगह उसको ढूंढवाती हैं। फिर चार्ली अपना दिमाग चलाता है। फिर वो चार्ली रैक्स का कॉलर निकाल के वहाँ पे सोच से ऐसे डिजाइन बनाता है ताकि औरों को लगे कि उसे लोमड़ियों ने मार दिया। फिर जब क्वीन उस कॉलर को देखती है तो उसे लगता है कि रैक्स अब नहीं रहा। फिर वहीं दूसरी ओर डॉग शेल्टर में रात के टाइम में एक छोटा सा डॉग सबको आजाद करा देता है, पर उनमें से कोई भागता नहीं है। ये देख के रैक्स बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है। फिर लकी रैक्स को एक फाइट क्लब में लेके जाता है जहाँ पे हर एक डॉग आया हुआ होता है। उस फाइट क्लब का मालिक टाइसन नाम का एक मस्कुलर डॉग रहता है। वहीं पे रैक्स एक वांडा नाम की डॉग को देखता है और उस पर लट्टू हो जाता है। फिर फाइट खत्म होने के बाद सब डॉग अपने अपने केज में आ जाते हैं और सुबह हो जाती है। और फिर सुबह के टाइम रैक्स फूल लेके वांडा के पास प्रपोज मारने जाता है और वो वांडा से कहता है कि वो क्वीन का डॉग डॉग है। वहीं पर टाइसन आ जाता है, वो भी वांडा के पीछे पड़ा हुआ था और वो रैक्स से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, पर वांडा रैक्स को टाइसन से बचा लेती है। फिर वहीं पे एक वर्कर जाता है, वो वर्कर उन डॉग्स के पास आने लग जाता है, लेकिन वो फिसल के गिर जाता है। उसके हाथ में जो कप था वो भी टूट जाता है, जिस पर रैक्स की फोटो बनी होती है। फिर वांडा उस फोटो को देख के समझ जाती है कि रैक्स सच बोल रहा था। फिर वो रैक्स की दोस्त बन जाती है। ये देखकर टाइसन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो रैक्स बचाने लग जाता है, पर वहाँ पे सही टाइम पे संजय आ जाता है, जिससे लड़ाई रुक जाती है। फिर टाइसन रैक्स को रात के मैच के लिए चैलेंज करता है। यहीं दूसरी ओर क्वीन रैक्स की ग्रेप भी बनवा देती है और चार्ली भी झूठ मूठ का रोना रो देता है, जिससे वो क्वीन का टेंशन पा सके। फिर क्वीन भी डिसाइड कर लेती है कि वो चार्ली को दूसरा डॉग डॉग बनाएगी। यहीं दूसरी ओर रैक्स के फ्रेंड्स उसे रात की फाइट के लिए तैयार कर रहे होते हैं। फिर रात हो जाती है, फिर सब लोग फाइट देखने के लिए आ जाते हैं। वहाँ पर टाइसन भी होता है। टाइसन को देख के रैक्स बहुत ज्यादा डर जाता है और जैसे ही फाइट चालू होती है रैक्स भागने लग जाता है। फिर टाइसन भी रैक्स का पीछा करता है उसे मारने के लिए। फिर वांडा अपनी चलाकी से डॉग शेल्टर की लाइट ऑफ कर देती है, जिससे सब लोगों को पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर वर्कर वहां नीचे आते हैं लाइट ऑन करने के लिए, तो वो सब डॉग्स को पकड़ लेते हैं। फिर टाइसन वांडा को धमकी देता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर अगले दिन एक बच्ची अपनी मम्मी पापा के साथ डॉग चूज करने के लिए आती है, वो रैक्स को चूज करती है। यहीं दूसरी ओर टाइसन वांडा को अकेले में बुलाता है उसको बचाने के लिए। फिर वो लड़की जैसे ही रैक्स को लेकर जाने लग जाती है तो रैक्स अपनी बुद्धिमानी से वहां से बच के निकल जाता है वांडा को बचाने के लिए। फिर जैसे ही टाइसन वांडा को मारने वाला होता है तब वहां पर रैक्स आ जाता है और रैक्स के साथ साथ उसके दोस्त भी आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं उसमें से एक डॉग टाइसन से भी ज्यादा पावरफुल था, जो टाइसन को एक चाटा मारता है और टाइसन के सारे दांत टूट जाते हैं और टाइसन हार जाता है। फिर रैक्स उन सबसे कहता है कि मेरे साथ चलो, लेकिन सब लोग मना कर देते हैं। वो सब कहते हैं कि हमें यहाँ पे खाना पीना सब टाइम से मिल जाता है, तो हम वहाँ जाके करेंगे ही क्या। फिर रैक्स और वांडा क्वीन के पैलेस के पास आ जाते हैं, पर गार्ड रैक्स को पहचान नहीं पाते और उन दोनों को वहाँ से भगा देते हैं। फिर रैक्स के दोस्त उसकी मदद करने आते हैं। फिर रैक्स के दोस्त उन गार्ड का ध्यान बटाते हैं और रैक्स और वांडा अंदर चले जाते हैं पैलेस के। वहाँ पर रैक्स को चार्ली मिलता है। चार्ली अपनी चलाकी से उन दोनों को बहुत सारे सामान के नीचे दबा देता है और वहाँ पे आग लगा देता है। और फिर वो चला जाता है क्वीन के पास, वो उसे अपना नेक्स्ट डॉग डॉग बना रही थी। फिर हम देखते हैं कि रैक्स वांडा कुछ बलून से
वांड के चिमनी से बाहर उड़ा देता है और खुद वहीं रह जाता है। फिर वांडा अपने दोस्तों के पास पहुंच जाती है। फिर उनके सारे दोस्त और वांडा मिलकर पैलेस में जाते हैं फिर से रैक्स को बचाने के लिए। फिर जैसे ही वो कमरे के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे चारों ओर आग लगी होती है, पर वो सब लोग अपना दिमाग लगा के आग को बुझा देते हैं। फिर वो सब देखते हैं कि रैक्स उन्हें कहीं नहीं दिखता। फिर वो सब लोग देखते हैं कि रैक्स एक चिमनी के अंदर छुपा हुआ होता है। फिर वांडा दौड़ते हुए चार्ली के पास जाती है और क्वीन के हाथ से वो कॉलर छीन के भाग जाती है। फिर क्वीन भी उसके पीछे पीछे आती है तो वो देखती है कि वहाँ पे रैक्स खड़ा हुआ है। फिर रैक्स को देख के क्वीन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर रैक्स के साथ साथ उसके बाकी दोस्त भी पैलेस में रहने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट की गाड़ी दोबारा आती है, लेकिन अब की बार मिस्सी रैक्स की जगह चार्ली को पसंद कर लेती है और वो उसे लेकर चले जाते हैं। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब लाइक सब कुछ ठोक देना। और मेरे बोलने में थोड़ा अजीब अजीब लग रहा हो तो यार मैं बहुत थक गया हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाना।